अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बन रहे हैं हमारे घर में मंगोड़े, और आज हमारी शबनम बाजी के बच्चे आए हैं, हमारी बीच वाली ननद उनके बच्चे आए हैं दोनों। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैं यहाँ पे दाल पीस रही हूँ। दाल मैंने धो दी थी और धो के मैंने चलनी में रख दी थी, जिससे इसका पानी जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाएगा। तो अब मैं इसको पीस रही हूँ, दाल डालती जा रही हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती जा रही हूँ, और जिससे इसका पेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। और ज़्यादा हमें बारीक नहीं पीसना है इसको, हमें थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, इससे हमारे मंगोड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने मंगोड़े तलने के लिए रख दिए हैं, तेल गरम हो गया तो उसके बाद मैं मंगोड़े डाल दिए थे, तो यहाँ पे सिक रहे हैं। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे आलू और बैंगन की सब्जी बना रही हूँ सूखी। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाले ले लिए हैं कुछ खड़े, और मैं हींग डाल रही हूँ उसमें। तेल हमारा गरम हो गया तो उसके बाद में मैंने हींग डाल दी और कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं। उसके बाद ये प्याज कटी हुई रखी थी तो मैंने इसको डाल दी है। तो प्याज को गोल्डन फ्राई करना है, और कुछ एक दो हरी मिर्च भी रखी हुई थी तो वो भी मैंने इसमें ही डाल दी हैं। और अब मैं बैंगन को, जो नीचे का जो पार्ट होता है बैंगन का, इसमें ये कांटे टाइप के लगे होते हैं तो उसको मैं हटा रही हूँ। और आलू भी मैंने छील लिए हैं और छील के मैंने धो के रख लिए हैं, और साथ साथ में मैं चलाती भी जा रही हूँ। तो अब खाना मेरा हो गया है बनके तैयार, मंगोड़े भी बन गए हैं, रोटियां भी सिक गई हैं, आलू बैंगन की सब्जी भी बन गई है। तो अब आ गए हैं बाजी के बच्चे, वो सुबह ही आ गए थे 11-12 बजे के समथिंग। तो अभी इन्नू इनके साथ में खेल रही है, और सभी लोग बैठे हुए हैं, बाजी भी बैठी हुई हैं, मम्मी भी बैठी हुई हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं, इन्नू भी खेल रही है। तो हम लोग बैठे हुए थे, सोच रहे थे कौन सा गेम खेलें, बच्चे भी बोल रहे थे कि हमें गेम खेलना है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कैरम खेल लेते हैं, और तो फिर हम सभी लोग यहाँ पे कैरम खेल रहे हैं। बेटू भी हमारे साथ में खेल रही है, और ये बाजी की बेटी है अर्शिल, तो वो भी हमारे साथ में खेल रही है। और मैं काफ़ी टाइम बाद खेल रही हूँ, मैंने बहुत सालों से नहीं खेला है कैरम, तो मुझे अच्छे से स्ट्राइकर चलाना भी नहीं आ रहा था। और मम्मी भी फिर हमारे साथ में आ गई थी, मम्मी ने बोला कि हम भी साथ में खेलेंगे, तो फिर हम लोगों ने मम्मी को भी ले लिया था। तो अभी हम सभी लोग खेल रहे हैं, और बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं कि जब हम पहले कैरम बोर्ड खेला करते थे, और मम्मी भी खेल रही हैं हमारे साथ में। तो मम्मी अपनी बातें बता रही थी कि मैंने बचपन से अभी तक कैरम नहीं खेला है, तो उनका मन हुआ था कैरम खेलने का, तो इसलिए हम लोग खिला रहे हैं उनको। वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ में खेल रही हैं। तो हम लोग ऊपर छत पर आ गए हैं, और ये खड़ी उड़द की फली डली हुई थी जो हमने उसको खाने के लिए डाली थी, तो वह बहुत अच्छे तरीके से सूख गई हैं। तो अभी हम लोगों ने सोचा है कि इसको कूट लेते हैं और इसकी दाल निकाल लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कूट रही हूँ, तो मम्मी जी भी मेरे साथ में है, वो मुझे सिखा रही हैं कि किस तरीके से कूटी जाती है और किस तरीके से इसका जो उड़द की दाल है वो निकाली जाती है, क्योंकि मैंने उड़द की दाल देखी भी नहीं थी कि किस तरीके की उसकी फली होती हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी। और फिर मम्मी जी मेरे साथ में बैठी हुई हैं, तो वो मुझे बता रही थी कि किस तरीके से निकालना है उड़द की दाल। तो हम लोग यहाँ पर कूट कूट के दाल निकाल रहे हैं, क्योंकि ये सूख गई तो इसलिए बहुत अच्छे से ये निकल आई है। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये किस तरीके से निकल आई है, और बहुत ही अच्छी दिख रही थी, साबुत दाल है ये।
लोग देख सकते हैं ये साबुत दाल निकल आई है, तो अभी इसको हम छलनी से छान देंगे और जो ऊपर के इसके छिलके हैं वो भी निकाल देंगे, और जो बारीक दाल होगी ये कूड़ा कचरा भी होगा वो भी निकल आएगा छलनी से छान के। तो ऐसे ही कूट कूट के हम सारी दाल साबुत दाल निकाल लेंगे इसमें से, और जो निकल चुकी है फलियों में से दाल वो फलियों का हम अलग कर देंगे इसको ऊपर ऊपर से उठा उठा के। तो मैं कपड़े में दबाकर इसलिए कूट रही हूँ क्योंकि हम लोग अगर दाल को कूट रहे हैं, इस फलियों को कूट रहे हैं, तो ये टूट रही हैं, इसलिए मैं कपड़े में दबाकर कूट रही हूँ इसको। और इधर से उधर भी नहीं हो रही है, मतलब अगर हम खाली कूटेंगे इसको बिना कपड़े के तो फिर उचकेंगी वो हमारे ऊपर। सारी दाल निकल चुकी है फलियों में से, तो अब ये फलियों के छिलके बचे हुए हैं। तो जो फली के छिलके निकले हैं वो हमने गट्टे में भर कर रख दिए हैं। तो अभी मैंने इसकी सारी सफाई कर दी है, झाड़ू लगा दी है, इसमें बहुत सारी मिट्टी निकली हुई थी, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं झाड़ू लगाने के बाद इसको धो भी देंगे, साथ में जैसे धूल होगी वो सारी निकल जाएगी। आज मैं आप लोगों को कोकोनट ऑयल के बहुत सारे फायदे बताने वाली हूँ कि कोकोनट ऑयल के कितने सारे फायदे हैं। तो कोकोनट आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पैरासूट का ही लें। तो मैं पैरासूट ऑयल ही यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं ये वाला ब्रांड आप लोगों को बता रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं कोकोनट ऑयल, तो इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये हमारी स्किन को ग्लोइंग करता है, ब्राइटनिंग करता है एंड टाइटनिंग करता है, और उसके साथ साथ ये एक्ने पिंपल्स में भी मदद करता है हमारी। और अगर इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर हम इसको पिंपल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने फेस को पहले वॉश कर लें अच्छे से। आप जो भी शॉप यूज़ करते हैं या फिर आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, आप उसका इस्तेमाल करके अपने फेस को बहुत ही अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद में आप लोगों को लगाना है अपने जहाँ पे भी आप लोगों के फेस पर पिंपल हो रहे हैं, तो उसको आप लोगों को लगाना है अपने पाल्म पर, थोड़ा सा ले लीजिएगा। फिर उसके बाद में अपने हाथों से ऐसे डैब डैब करके लगा लीजिएगा, जैसे आपके फॉरहेड पर है तो आप फॉरहेड पर लगा लीजिएगा, और तो आपके पिंपल्स और पिंपल्स के बाद में जो स्पॉट्स हो जाते हैं तो उसको भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है ये। आपके पिंपल्स अगर फेस पर हैं तो ये आपके पिंपल्स को 2 या 3 दिन में रिमूव कर देगा बहुत ही अच्छे से, और इसके स्पॉट्स 15 से 20 दिन में आपके रिमूव हो जाएंगे। तो अगर किसी की ड्राई स्किन है तो वो हनी के साथ मिक्स करके ये कोकोनट ऑयल को लगा सकता है, और किसी की ऑयली स्किन है तो वो एलोवेरा के साथ में, एलोवेरा जेल के साथ में इसको मिक्स करके लगा सकता है। तो इससे एक चीज और है, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इससे आप अपने फेस की मसाज भी कर सकते हैं। तो आपको फेस को वॉश कर लेना है पहले, फिर उसके बाद में अपने हथेलियों पे ले लेना है थोड़ा सा ऑयल, तो फिर उसके बाद में आप लोगों को करना है इस तरीके से लगाना है, हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मसाज करना है, जिससे जिससे जो कोकोनट ऑयल है वो आपके फेस के अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाए। तो इसलिए इस तरीके से इसको मसाज करके लगा सकते हैं हम, और इसके बहुत ही अच्छे फायदे हैं। इससे हमारी स्किन अच्छी ग्लो करेगी और बहुत ही अच्छा सा, और जो किसी के रिंकल्स हो जाते हैं वो भी रिमूव करने में बहुत ही लाभकारी है ये। तो
तो आप लोग इस्तेमाल इसको जरूर करें और मुझे बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को ये कोकोनट ऑयल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि पिंपल्स तो ऑयली स्किन वालों को ही होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑयली स्किन वालों के तो होते ही हैं, लेकिन हम कोकोनट ऑयल से अपने पिंपल्स को रिमूव कर सकते हैं गाइस। और इसको दो से तीन दिन में ये रिमूव हो जाते हैं पिंपल्स इसको कोकोनट ऑयल को लगाने के बाद। तो आप डेली इसको यूज़ करिए, अपने फेस पर यूज़ करिए। और बहुत से लोगों की ड्राई स्किन होती है तो वो बार बार में मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ करते हैं, तो इनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है ये ऑयल। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग ज़रूर यूज़ करके देखिएगा और मुझे इसके जो बेनिफिट्स आपको हुए हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी मुझे कुछ लोगों के नाम लेने हैं, तो वो जल्दी से नाम मैं ले लेती हूँ। तो ये हैं अब्दुल जाबिर, अस्सलाम वालेकुम बुलबुल, मेरा नाम लेना, मेरा नाम हिना है। तो हेलो हिना जी। और ये हैं सना खान, ये हैं जियाउल हक, और ये हैं बबली शर्मा, ये है MD तनवीर अंसारी। तो इनकी ID से भी कोई है तो इन्होंने बोला है मेरा नाम जरूर लेना, इनका नाम है आरजू। MD तनवीर की ID से है आरजू। और नगमा शेख, असलम मियान, और इनकी ID से भी कोई है याफा, इंसु फातिमा, ये है MD नईम, शिफा खान ब्लॉग, आशिया तनवीर, MD तूबा खान। तो इन्होंने बोला सिस्टर मेरे भाई की एनिवर्सरी है 1 अक्टूबर को, विश करना, उनका नाम शहजाद अहमद है। तो हैप्पी एनिवर्सरी शहजाद जी। तो ये हैं सानिब मलिक, तो इनकी ID से बोल रही हैं ये साइना। तो आई होप मैंने सभी लोगों के नाम ले लिए हैं, और कुछ नाम रह गए हैं वो अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ले लूँगी। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, मेरी वो टिप्स पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी लाइक कर देना, और बहुत सारे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों को वीडियो की नई नोटिफिकेशन मिल सकेगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।